गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बेटा, आपने अभी जो लास्ट हमने किया था सेशन वो किसका था? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का, है ना। उसके हमने दो सेशन कर लिए थे, सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2। अब हम कर रहे हैं सेशन नंबर 3 जिसका नेम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हम अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, ओके। हम अपने आंसर्स पे कितना कॉन्फिडेंटली हम आंसर करते हैं किसी को, या अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्या हम उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। तो इसको हम ब्रीफली पढ़ते हैं। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वी विल डिस्कस दिस स्किल इन डिटेल इन दिस सेशन। इस सेशन में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। द सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स टू ट्रस्ट और बिलीव इन आवर ओन कैपेबिलिटीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम विश्वास करते हैं हमारी अपनी कैपेबिलिटीज पे, ठीक है, पावर ऑफ जजमेंट पे, कि हम जजमेंट अच्छी कर रहे हैं। वर्दीनेस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीन्स आप अपनी कैपेबिलिटीज, जजमेंट और वर्दीनेस पे आप कितना बिलीव करते हो उसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन बट लैक कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड टू टेक इनिशिएटिव, ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन अगर आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी है, मींस कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उससे क्या होगा, आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते, यानी कोई भी आप डिसीजन नहीं ले सकते, विच मीन्स यू लैक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डिवेलप थ्रू चेंज इन एटीट्यूड एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कब बनता है? आप जब अपने एटीट्यूड को चेंज करते हो और आप कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ की, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? बिल्ट होता है, ओके। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट मतलब, जैसे अगर आप किसी काम को बहुत पहले से कर रहे हो और आपको काम करते करते उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आप उस काम के लिए कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ, ये काम मेरे से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता, तो वो आप कैसे कर रहे हो? कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से, ठीक है। तो वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, ओके। तो ये समझ आ गया बेटा। इसके बाद पढ़ते हैं अब हम, इसके बाद है फैक्टर्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप मुझे वो फैक्टर्स बताओगे जिनकी हेल्प से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो, यानी कि बनाते हो। तो उसके आपके 3 फैक्टर्स होते हैं, सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल। सोशल मतलब इंट्रैक्शन विद आवर सोशल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स एंड मीडिया। सोशल का मतलब है कि आप, सोशल का मतलब है कि आप अपने सोशल इन्वायरमेंट में, यानी जहां आप रहते हो उस सोसाइटी में, आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है जिसमें आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं एंड मीडिया इन्फ्लुएंसेस, यानी जो जो सी चीज़ें आप मीडिया पर देखते हो, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ओके। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रैक्शन विद अदर्स। हम जिसके साथ भी सोसाइटी में इंट्रैक्ट होते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है? डिवेलप होता है, ओके। अगर हमें कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो नेगेटिव हो बहुत, ठीक है, तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करेगा? वो ख़राब कर देगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बहुत क्या हो जाओगे, आप अपने ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वहीं कोई पॉजिटिव करने वाला पर्सन मिलता है तो उससे क्या होगा, उससे आपकी इंट्रैक्शन उसके साथ बहुत अच्छी होगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो आपको इस तरह से गाइड करेगा कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो सोसाइटी इसमें मैटर करती है ना, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव सब मैटर करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट फैक्टर है सोशल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। सेकेंड आपका जो पार्ट है दैट इज़ कल्चरल। कल्चरल फैक्टर्स कंप्राइज ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स एंड कस्टम्स। कल्चरल का मतलब है कि जैसे हम कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, वो होता है आपका कल्चरल फैक्टर्स। जैसे आप कौन सी प्रथा यूज़ करते हो, कस्टम्स, ठीक है, वो होता है आपका कल्चरल फैक्टर। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? वी इंडियंस गिव इम्पॉर्टेंस टू फैमिली वैल्यूज़। हम इंडियंस जब होते हैं हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ को इम्पॉर्टेंस देते हैं, है ना। बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ वासुदेव
कुतुम्बकम, यानी कि ऐसे वासुदेव कुतुम्बकम की हम फिलोसफी पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, एंड फॉलो कस्टम ऑफ सेलिब्रेटिंग वेरियस फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली एट्सेट्रा, और हम फॉलो करते हैं उन कस्टम्स को, उन फेस्टिवल्स को जो हम बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, जैसे दिवाली, होली एट्सेट्रा. कन्फर्मिंग टू कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड कस्टम्स एनहेंसेज वन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. और इससे क्या होगा, जैसे हमें कल्चरल वैल्यूज़ पता चलती हैं, हम कन्फर्म होते हैं उसके लिए, बिलीव करते हैं उनके ऊपर, अपने कस्टम्स पे बिलीव करते हैं, इससे क्या होता है, इससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है. ठीक है, तो हमारा जो कल्चरल फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, तो थर्ड है आपका फिजिकल. फिजिकल में आपका आएगा फिजिकल सेल्फ एफिकेसी, फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशल फिजिक एंग्जाइटी आर फाउंड टू इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, सेल्फ एफिकेसी, फिजिकल एक्टिविटी, सोशल फिजिक एंग्जाइटी, इसका मतलब क्या है, पढ़ते हैं आगे इसको तब समझ आएगा. फिजिकल एक्टिविटी इज फाउंड टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस से. कैसे, फिजिकल सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू फिजिकल पोटेंशियल टू कम्प्लीट द असाइंड टास्क विद ईज. जैसे आपको, आप आर्मी में जाना चाहते हो या किसी भी आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो और उसके लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, तो जब आप उस टारगेट को क्लियर कर देते हो दैट इज़ योर सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, जब आपको कोई टास्क असाइन की जाती है और उस टास्क को आप कंप्लीट कर देते हो दैट इज़ योर सेल्फ एफिकेसी. और अगर आपने टास्क असाइन कर दी, तो टास्क आपने अपनी कंप्लीट कर दी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर उस टाइम फुल कॉन्फिडेंस था, है ना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तभी तो आपने कंप्लीट किया ना उसको. तो वो क्या है, दैट इज़ सेल्फ एफिकेसी. और सेल्फ एफिकेसी किससे रिलेटेड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से. ओके, दूसरा है सोशल फिजिकल एंग्जाइटी. सोशल फिजिकल एंग्जाइटी इज अ कंसर्न अमंग इंडिविजुअल अबाउट परसीव्ड इवेल्युएशन ऑफ वन्स फिजिकल सेल्फ बाय द सोसाइटी. ठीक है, सोशल फिजिकल एंग्जाइटी का मतलब है इज द कंसर्न अमंग इंडिविजुअल अबाउट प्रिजीव्ड इवेल्युएशन. यानी कि जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं कि कोई पर्सन बहुत मोटा है, ठीक है, और उसको सोसाइटी वाले देख के उसके ऊपर बातें बनाते हैं, इवेल्युएट करते हैं उसको, ठीक है, उसको इवेल्युएट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसकी वजह से खोता थोड़ी ना, वो उनकी बातों की परवाह नहीं करता. ठीक है, तो कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है वो इन एंग्जाइटी से अपने आप को हिंदी में बोले तो प्रभावित नहीं होने देता, इफेक्ट नहीं डलने देता वो उससे. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी फिजिकल. तो फिजिकल भी आपका बहुत मैटर करता है फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, तो ये तीन पार्ट, तीन जो आपके मेन फैक्टर्स हैं वो आपको समझ आ गए. सोशल मतलब सोसाइटी, कल्चरल मतलब कस्टम्स, फिजिकल मतलब योर सेल्फ एफिकेसी एंड एंग्जाइटी. ओके, उसके बाद है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब है आपके, आपको क्या क्या करना चाहिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए. ओके, देखिए आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए वो सब इसमें है. फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहला है गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स. मैंने जैसे आपको बताया था ना कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपके पास आता है, आपसे बात करता है, आपके पॉजिटिव माइंड को नेगेटिव करता है, तो आप उससे क्या करो, उससे दूरी बढ़ाओ. ठीक है, उसके साथ कम ही रहो. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कीपिंग नेगेटिव थॉट्स असाइड टेक्स इंडिविजुअल क्लोजर टू योर पॉजिटिव माइंड. टू मूव अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स वन नीड टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन एन एक्टिविटी लाइक टेकिंग अ वॉक, ड्रॉ और पेंट, सिंग, डांस, चैट, वॉच, रीड और टॉक. इसका मतलब है कि अगर आपको नेगेटिव बंदे से दूर रहना है तो आप अपना ध्यान इन सब चीज़ों में लगाओ और नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दो. ओके, तो सेकेंड है थिंकिंग पॉजिटिवली. यही है कि अगर आप नेगेटिव छोड़ रहे हो तो हमेशा क्या सोचो, पॉजिटिव सोचो. पॉजिटिव कैसे सोचना है कि नहीं, अच्छा ही होगा, हमेशा अच्छा ही होगा, ये जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग. ओके, पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग्स ब्रेन टू अ पीसफुल स्टेंस एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स थिंकिंग पॉजिटिवली ही और शी फील्स हैप्पी फ्रॉम विद इन एंड दिस बूस्ट अप हिज और हर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, जब आप पॉजिटिवली
थिंक करना सोच शुरू कर देते हो तो आप हमेशा हैप्पी फील करते हो, ठीक है, और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बूस्ट होता है, ओके। उसके बाद थर्ड है स्टेइंग हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स, आपको छोटी छोटी चीज़ों के साथ खुश रहना है। एन इंडिविजुअल हु इज़ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी स्मॉल ब्लेसिंग इन हिज लाइफ फील्स कंटेंटेड। बींग थैंकफुल टूवर्ड्स पीपल एंड द वर्ल्ड इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहोगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप हमेशा हैप्पी रहोगे, और अगर आप हैप्पी हो तो इसका मतलब आपसे सारे काम कैसे होंगे, सारे काम बिल्कुल परफेक्टली होंगे, और जब आपसे सारे काम परफेक्टली होंगे तो ऑब्वियसली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रेजेंट में अपने छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहना सीखें, ओके। उसके बाद फोर्थ है स्टेइंग क्लीन हाइजेनिक एंड स्मार्ट, हमेशा अपने आप को क्लीन रखो, साफ रखो, हाइजेनिक रखो और स्मार्ट बना के रखो, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिफ्थ है चैटिंग विद पॉजिटिव पीपल, हमेशा पॉजिटिव पीपल्स जो होते हैं उनके साथ चैट हमेशा रखना चाहिए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये बेटा आपको समझ आ गया, ये आपका सेशन नंबर 3 था जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है, सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के फैक्टर्स के बारे में, एंड हमें कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और ये अब आपकी है जो वर्कशीट है जो मैं आपको भेजूंगी, ये आपने करनी है, ठीक है। मैंने इसको आपको सॉल्व करके भेज दिया है। यहाँ पे बेटा आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो आपके अब सितंबर में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो आपके आने हैं, तो आपको अच्छे से इनको लर्न करना है, ठीक है। तो हम अगले सेशन से इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ ये सारों की आपने नोटबुक प्रॉपर बनानी है, और बना भी चुके होंगे कई बच्चे तो, प्रॉपर बनानी है और इनको लर्न करना है। और मैं ये पेपर जो आपका SA1 का सेट करूंगी वो मैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड करूंगी, क्योंकि अब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है। अब आपको 9th के CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।